दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं और अपना पीएफ अकाउंट में बैंक पैसों को अपडेट करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट नंबर को लिंक करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको सबसे लेटेस्ट प्रोसेस के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप खुद से ऑनलाइन तरीका से अपना पीएफ अकाउंट बैंक को ऐसे किस प्रकार से अपडेट करेंगे, इसके क्या है लेटेस्ट प्रोसेस, वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो खुद से ही आप अपना पीएफ अकाउंट लॉगिन होकर के पीएफ की वजह से आप अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपना फोन लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है यूएन लॉगिन, देन आपको सर्च करना है। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पर पहला ही वेबसाइट नजर आता होगा ईपीएफओ का, तो पहला ही वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद बेसिकली यहाँ पे एक अलर्ट शो हो जाता है, इस अलर्ट के ऊपर सबको क्रॉस करना है या तो फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे लॉगिन पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पे आपको अपना पीएफ अकाउंट लॉगिन होना होगा, तभी आप अपना पीएफ अकाउंट बैंक केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं। लॉगिन होने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा वो आपको पहला कॉलम में आपको फिलअप करना है, देन जो भी आप अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखे होंगे दूसरा कॉलम में फिलअप करना है। बाय चांस अगर आप अपना यूएन का पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड वाले सेक्शन में जाकर एक नया पासवर्ड आप बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक कैप्चा कोड भी मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको फिलअप करना है, देन आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है, आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है, उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर नजर आता होगा ओटीपी हैच मीन सेंड और रजिस्टर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पर कुछ डिजिट नजर आता होगा। तो एक बार अपना मोबाइल नंबर चेक कीजिए, वहाँ पे एक एसएमएस आया होगा, उसमें 6 डिजिट का ओटीपी होगा। तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पर आपको सबसे पहले फिलअप करना है, देन नीचे एक कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिलअप करना है, देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में लॉग इन हो जाते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे एक अलर्ट शो हो जाता है, इस अलर्ट को अगर आप पढ़ना चाहेंगे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ऊपर में देखिए क्रॉस का आइकन नजर आता होगा तो इस पर आपको क्लिक करना है, या तो फिर नीचे देखिए लेटर का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका प्रोफाइल इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर यहाँ पर नजर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको बैंक केवाईसी अपडेट करना है, उसके लिए आपको केवाईसी वाला सेक्शन में आपको जाना होगा। उसके लिए सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा मैनेज, तो आपको मैनेज पर क्लिक करना है। उसके बाद तीसरा ही ऑप्शन मिल जाता है केवाईसी का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे केवाईसी वाला सेक्शन खुलकर आ जाता है, जैसे कि ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा एड केवाईसी, उसी के नीचे यहाँ पर नजर आता होगा बैंक पेन और पासवर्ड केवाईसी, जिसका भी केवाईसी आपको करना होता है उस पर ही आपको बेसिकली क्लिक करना होता है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बैंक केवाईसी किस प्रकार से किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए यहीं पे पहला ही ऑप्शन मिल जाता है बैंक, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो आपका बैंक का ही डिटेल फिलअप करना होगा, सबसे पहला डिटेल में आपका नाम आ जाता है और जो भी आपका पीएफ अकाउंट आपका नाम होता है ऑटोमेटिक यहाँ पे फेस कर लेता है, यही नेम आपका बैंक अकाउंट में होना चाहिए, मतलब पीएफ अकाउंट में नाम और जो आपका बैंक अकाउंट में नाम है दोनों जगह सेम होना चाहिए, तभी आपका बैंक केवाईसी अप्रूव हो पाएगा। नाम में किसी भी प्रकार से मिसमैच होता है तो फिर आपका बैंक केवाईसी यहाँ पे अप्रूव नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी बैंक अकाउंट को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उसका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है, पासबुक पर मिल जाएगा वहां से देख लीजिए, देन आपको सेम बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा से यहाँ पे कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर में आकर के फिलअप करना है। उसके बाद जो भी आपका बैंक का जो एफसी कोड होगा वो लेटेस्ट एफसी कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले एक बार चेक करना होगा, वेरीफाई करना होगा जो भी यहाँ पे डिटेल आपने फिलअप किया है क्या वो सही है या नहीं, ठीक है। तो चेकआउट करने के लिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है वेरीफाई एफसी का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आईएफएससी कोड होता है वो सक्सेसफुली यहाँ से वेरीफाई हो जाता है, जैसे कि ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा आईएफएससी वेरीफाई, देन यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे देखिए जो भी आपका बैंक और ब्रांच का नाम होता है ऑटोमेटिक यहाँ पे फेस कर लेता है, ठीक है। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है, देन आपको सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए नजर आता होगा एन ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर आधार लिंक मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने डिटेल फिलअप किया उसे एक बार आपको चेकआउट कर लेना है, जैसे कि नाम हो गया, अकाउंट नंबर, एफसी कोड वगैरह सब कुछ सही होने के बाद जो ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आपका बैंक वैसे सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, जैसे आपका बैंक वैसे सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है उसके बाद आपको ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा केवाईसी वाला सेक्शन में, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक नोटिफिकेशन ऊपर में नजर आता होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आता होगा बैंक अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस, जो भी आपने बैंक को ऐसे सबमिट किया वो फिलहाल अभी अंडर प्रोसेस में है। ये नोटिफिकेशन हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, और आपके मोबाइल नंबर पर भी एक एसएमएस आ जाता है, वहां पे केवाईसी आपने अपडेट किया उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। तो अभी जो आपने केवाईसी सबमिट किया उसका कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं उसके लिए आपको नीचे आना है, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल, उसी के नीचे जो भी आपका केवाईसी उसका कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जैसे कि सबसे पहले आपका यूएन नंबर,
देन आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट में बैंक, उसके बाद जो भी आपका नाम होता है, उसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, और सीडेट में यहाँ पे देखिए जो भी आज का डेट और टाइम होता है, और सीडेट बायो में मेंबर यहाँ पर नजर आता होगा, और प्रेजेंट टाइम में अभी स्टेटस में देख सकते हैं नजर आता होगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। तो कुछ इसी प्रकार से आप अपना पीएफ अकाउंट में बैंक अकाउंट को जोड़ सकते हैं, बैंक अकाउंट को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बता दी। तो बैंक को ऐसे किस प्रकार से किया जाता है वो आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ जो आपका बैंक कैसे होता है, कहाँ कहाँ से कितना स्टेप अप्रूव होता है, कितना दिन में होता है, वो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। बेसिकली जो आपका बैंक कैसे होता है, दो जगह से अप्रूव होता है। सबसे पहला जो अप्रूवल होता है वो आपका बैंक की तरफ से होता है, बैंक जगह जाता है आपका केवाईसी, बैंक ऑटोमेटिक आपका बैंक कैसे वेरिफिकेशन करता है, देन फाइनल अप्रूवल के लिए जो आपका कंपनी, जो आपका एम्प्लॉयर होता है उसके पास चला जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी प्रेजेंट स्टेटस में देख सकते हैं लिखा हुआ आता होगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, इसका मतलब यही है कि जो भी आपने बैंक को ऐसे सबमिट किया है वो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपके बैंक के पास गया है। बैंक जनरली 24-48 घंटा, 2-3 दिन या फिर हार्डली एक सप्ताह के अंदर ही आपका बैंक को ऐसे वेरिफिकेशन कर देगा, अप्रूव कर देगा, उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए जो आपका कंपनी, जो आपका एम्प्लॉयर होता है उसके पास चला जाएगा, तब यहाँ पर स्टेटस चेंज हो जाएगा, स्टेटस में लिखा हुआ आ जाएगा पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन। अगर आपका स्टेटस में शो होता होगा पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन, तो इसका मतलब होता है कि फाइनल अप्रूवल के लिए आपका बैंक को ऐसे आपका कंपनी आपके एम्प्लॉयर के पास चला गया है। तो जैसे ही आपका कंपनी आपका एम्प्लॉयर डीएससी सिस्टम से आपका बैंक को ऐसे अप्रूव कर देगा, उसके बाद फाइनली आपका बैंक को ऐसे सक्सेसफुली आपका पीएफ अकाउंट अपडेट हो जाएगा। तो जैसे आपका बैंक को ऐसे अपडेट हो जाता है, आपका पीएफ अकाउंट में लिंक हो जाता है, उसके बाद जो आपका केवाईसी होता है वो यहाँ पे करेंट एक्टिव केवाईसी के सामने ही नीचे में ही यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम की बात करते हो तो यहाँ पे कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, जितना जल्दी आपका कंपनी आपका बैंक को ऐसे अप्रूव करेगा उतना ही जल्दी आपका पीएफ अकाउंट में बैंक को ऐसे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से अप्रूव कराना चाहते हैं, अपडेट कराना चाहते हैं, तो एक बार अपना कंपनी से बात कर लीजिएगा, कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, उनको बोलिएगा मैं अपना पीएफ अकाउंट में बैंक को ऐसे अपडेट किया, उसे जल्दी जल्दी अप्रूव कर दे, तो जो आपका कंपनी होगा वो जल्दी जल्दी अप्रूव कर देगा। अगर आप कॉन्टेक्ट नहीं करते, बात नहीं करते, तो आपका डिपेंड पड़ जाता है आपके कंपनी के ऊपर, आपका कंपनी जितना जल्दी अप्रूव करेगा उसी के अनुसार यहाँ पे होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।